बेटा ये आपका पी। बेटा ये क्या हुआ आपको? ओए मैंने तुम्हें कहा था ना कोई होशियारी नहीं करनी, दरवाजा क्यों खोला ये? नहीं नहीं मैंने कोई होशियारी नहीं की, मैंने तो जस्ट पिज्जा ऑर्डर किया था। हाँ हाँ पिज्जा ले लिया, पेमेंट करो और जल्दी से अंदर आओ। यार ये लड़की तो बड़ी मुश्किल में नजर आ रही है, इसका हस्बैंड इसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है? कैसे पता लगाया जाए कि इसको मुश्किल क्या है? देखो कोई शायरी मत करना, इसमें तुम्हारी ही बेहतरी है, ये बच्चा देख रही हो ना अपना, अगर इसकी जिंदगी चाहती हो। कौन आ गया फिर? अब किधर आए हो? ये क्या है? सर वो पिज्जे के बकाया पैसे देने। पहले तुम्हें याद नहीं था देते वक्त? सॉरी सर वो मेरे पास चेंज नहीं था तो मैं नीचे से चेंज लेके आया। अच्छा अच्छा ठीक है। हेलो। हाँ यार किधर रह गए हो? इधर सब क्लियर है, जल्दी से आ जाओ। हाँ हाँ चलो ठीक है, ये पकड़ो टिप और दफा हो जाओ इधर से। और बात सुनो, जहां जो हो रहा है ना अगर तुमने किसी को बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, दफा हो जाओ। भाई साहब भाई साहब भाई जान मुझे आपका मोबाइल चाहिए, मुझे आपका मोबाइल चाहिए। को पागल लग रहा हूँ मैं, मेरा मोबाइल लेकर भाग जाओगे आप? नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, आप ये 500 रुपया रखो और मुझे एक कॉल और एक मैसेज करने दो, प्लीज प्लीज भाई एक मैसेज कर लेने दो प्लीज। ठीक है मगर मेरे सामने खड़े हो गए, आप मैसेज कर सकते हो कॉल? ठीक है। आपका हस्बैंड आपके साथ ऐसा क्यों कर रहा है? ये मेरा हस्बैंड नहीं है। तो फिर ये कौन है? मैं नहीं जानती ये कौन है, प्लीज मुझे इससे बचा लो। टेंशन ना ले मैं कुछ करता हूं। लगता है वो आ गया, हिला नहीं इधर से तुमने, समझ आई? तुम फिर आ गए हो? यू आर अंडर अरेस्ट, अब तुम्हें कानून से कोई भी नहीं बचा सकता। बहुत शुक्रिया भाई आपने मुझे बचा लिया। वो सब तो ठीक है मैडम, लेकिन ये शख्स कौन था और आपके साथ ऐसा क्यों कर रहा था? भाई हुआ कुछ यूं था कि मैंने पिज्जा ऑर्डर किया था और थोड़ी देर बाद दरवाजा नोक हुआ, मुझे लगा पिज्जे वाला है, मैंने बिना पूछे ही दरवाजा खोल दिया था। मैडम अगर आप दरवाजा पूछ के खोल लेती तो आपके साथ ऐसा ना होता। खैर अब जो होना तो हो गया, लेकिन अगर मैं वक्त पर ना आता तो क्या होता आपका? शुक्रिया भाई आपका। बेशक अल्लाह ताला अपने बंदों के साथ कभी गलत नहीं होने देता। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर कीजिएगा, शुक्रिया।